तो और गाइज क्या कर रहे हो तुम लोग। गाइज तुमको फिर से गाइज एक बार फ्री बंडल देखने को मिलने वाला है, और तुम में से काफ़ी बंदे पूछ रहे थे भाई क्रिमिनल बंडल रिटर्न कब आएगा। और साथ ही गाइज तुम लोग यहाँ पे देखो गाइज 7 जनवरी को तुम्हारा M887 का इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। अब तुम में से काफ़ी बंदे के दिमाग में ये आ रहा होगा जो भाई इसमें हम लोग स्पिन करें या फिर M887 का कोई एवोल्यूशन गन आएगा उसमें हम लोग को डायमंड बर्बाद करने चाहिए, एवोल्यूशन गन में बर्बाद करने चाहिए, या फिर इसमें मतलब कहने का ये मतलब है जो हम लोग को ये M887 के इनक्यूबेटर में स्पिन करना चाहिए हाँ या फिर ना। तो गाइज अगर तुम मेरी मानो तो गाइज M887 का इनक्यूबेटर आएगा, ये तो कंफर्म है गाइज 7 जनवरी को तुमको देखने को मिलेगा। और ये भी कंफर्म है जो M887 का इवो गन तुम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन भले ही वो 2-3 महीने के बाद देखने को मिले लेकिन तुम लोग को देखने को मिलेगा ये कन्फर्म है। और हर एक गन का एवोल्यूशन गन तुमको देखने को मिलेगा ये भी कन्फर्म है। तो अब हम बात करते हैं क्या हमें M887 में स्पिन करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर मेरी मानो अगर तुम्हारे पास डायमंड है बहुत ज़्यादा डायमंड है तो तुम स्पिन कर सकते हो। अगर तुम एवरेज हो मेरे जैसे हो मतलब कम डायमंड रहते हैं तुम्हारे पास इधर उधर जब कोई एयर ड्रॉप आया तभी तुम परचेज करते हो, तो मेरे ख्याल से तुमको स्पिन करना चाहिए। अगर तुम्हारा लक अच्छा रहे तो एक ब्लू प्रिंट तुमको मिल गया और तुम लास्ट वाला ले सको, मतलब कोई सा भी तुम उसमें से ले सकते हो जो तुमको सस्ते मिल जाए एक ले लो गाइस, काफ़ी ओपी स्किन हो जाएगा गाइस और रेयर कलेक्शन भी तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास डायमंड नहीं है एक भी तो तुम ऐसे पैसे लगा के बर्बाद नहीं करो, इसमें M887 का बहुत स्किन है गाइस और बहुत ओपी स्किन है। तो मेरे ख्याल से गाइस अगर तुम्हारे पास डायमंड नहीं है बिल्कुल नहीं है तो मत करना स्पिन टॉप अप करके, और अगर डायमंड थोड़ा या ड्रॉप और ड्रॉप है तो करना ट्राई करना शायद एक ब्लू प्रिंट मिल जाए। और गाइस बाकी तुम लोग समझदार हो खुद समझ गए होगे गाइस। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं विंजो के बारे में, और यहाँ पे तुमको एक विंजो स्टोर देखने को मिलेगा और यहाँ पे तुम विंजो स्टोर से फ्री फायर के डायमंड ले सकते हो वो भी कम दाम में गाइस, और बहुत सारे डायमंड ले सकते हो। तो अब जब भी तुमको डायमंड लेना हो ना विंजो स्टोर से ही लेना गाइस। और साथ ही गाइस यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्री फायर के टूर्नामेंट चल रहे हैं गाइस, यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके किल करके बुइया करके तुम बहुत सारे डायमंड ले सकते हो, पैसे ले सकते हो गाइस। और साथ ही गाइस यहाँ पे चल रहा है करोनो गिफ्ट पे, अगर तुम्हारे पास करोनो कैरेक्टर नहीं है ना तो बस रजिस्टर्ड नंबर फिर से फ्री फायर आईडी फ्री फायर नेम और इंस्टाग्राम आईडी डालो गाइस, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा ऐप का, जाकर डाउनलोड कर लो अभी के अभी। और इसका विड्रॉल फीचर बहुत आसान है गाइस, 1 सेकंड में पैसे तुम्हारे पेटीएम यूपीआई में। तो गाइज अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्रिमिनल बंडल के बारे में, मतलब क्या तुम लोग को क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो गाइज तुमको पता होगा मैंने गाइज काफ़ी दिनों पहले गाइज जब ग्रीन क्रिमिनल रिटर्न में आने वाला था उससे पहले ही तुम लोग को बता दिया था, मतलब उसी मंथ में मैंने वीडियो बना के बता दिया था जो तुमको इस मंथ में क्रिमिनल बंडल यानी वही ग्रीन क्रिमिनल बंडल रिटर्न में देखने को मिलेगा। और हुआ क्या गाइज उसके कल होके तुम लोग को क्रिमिनल बंडल यानी ग्रीन क्रिमिनल तुम्हारा रिटर्न में देखने को मिल गया। तो वैसा ही सीन लेके चलो गाइस, तुमको इस मंथ तुम लोग को देखने को मिल जाएगा क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न में। अब ऐसा मत सोचना जो तुमको कल ही देखने को मिल जाएगा क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न में, नहीं गाइस इस मंथ में तुमको कभी भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है गाइस जो तुमको कल देखने को मिल जाए। और गाइस तुम जो भी चीज़ को रेयर मानते हो ना, मतलब कुछ भी सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 जो भी चीज़ को रेयर मानते हो सारी चीज़ें तुमको इस मतलब इस मंथ में नहीं गाइस इस ईयर में तुमको रिटर्न में देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा होगा ना गाइस, कोई चीज़ रियर नहीं रहेगा गाइस, सब मिलजुल के रहेंगे गाइस। खैर गाइस वीडियो कैसी लगी तुम लोग कमेंट में बताना गाइस, और तुमको ये सब कैसा लगा, मतलब गाइस ये सब सही लगा या फिर गलत तुम लोग कमेंट में जो बताना, मतलब गाइस रियर चीज़ों को रिटर्न में देना ये सही है या फिर गलत तुम लोग कमेंट में बताना गाइस। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।